और अपना पार्किंग में है और अपना बाइक यहीं है, गंदा है भाई, इसको साफ किए ही नहीं, तो आगे कहीं कराना होगा साफ, बहुत गंदा हो चुका है। 2 दिन तो ऐसे यूज़ कर रहे थे, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो सफ़र अच्छा रहे भाई, गेटर ऑन करके रखा था, पेट्रोल वगैरह फिल कराना होगा। तो भाई निकलते हैं, अब सीधे कर लो, चलो बैठ जा, चलो पेट्रोल पंप पहले। भाई दोस्त का फ्लैट था ये, तो 1 बजे रात है और इतना भीड़ है भाई दिल्ली में, जनकपुरी में क्या बोलोगे, सेंस ही नहीं बनता इस बात पर। ये लोग देखो दिल्ली होके आया हुआ है, दिल्ली का मतलब नाइट लाइफ थोड़ा अजीब है, रात में लोग पार्टी वार्टी करते रहते हैं। हम लोग भी क्लब वगैरह गए थे, कोई 2 दिन रुके, लेकिन कोई ब्लॉगिंग हमने नहीं की, कोई सेंस ही नहीं बनता था ब्लॉगिंग करने का, और इन्जॉय करना था शहर में आके, इस वजह से सला लाइट वाइट नहीं है इसका गाड़ी में। यहाँ से आपके हिसाब से जाना होगा, पहले कौन सा किसको पता रहता है आजकल। तो भाई रात है लेकिन आज सैटरडे है, सैटरडे कि फ्राइडे है ऐसा, फिर पार्टी बहुत सही, टोटल 4 लोग जा रहे हैं यार, ये नॉर्मल भीड़ है इसका रात में, जबकि रात में कोई निकलता भी नहीं है। सिग्नल भी खुला है तो सही है, देखो कोई भी घुस जाता है भाई इधर उधर से। साले बंद है, वहाँ पे फुल कर दो, फुल कर दो ना। कैश पेमेंट है? ऑनलाइन पेमेंट है। ऑनलाइन नहीं होगी? कार्ड भी है। कार्ड भी है, कर दो फुल कर दो। का पेट्रोल आया 9 लीटर, मतलब 12 लीटर का टंकी है, तो नौ लीटर आया, तो पहले से 2 लीटर हुआ गाड़ी में, गाड़ी बहुत गंदा है भाई। तो भाई यहाँ पे कुछ हो रहा है, हम लोग गलती से गलत रूट पे आ गए, तो शायद यहाँ मारपीट हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया भाई। अब शादी है शायद, शादी में कुछ हुआ होगा, छिड़का नहीं। अब फूफा जी का रसगुल्ला मिला कि नहीं मिला पता नहीं यार, इसी वजह से तो नहीं हो रहा है। बोल रहा है जाने यार, ऊपर से लोकेशन भेज रहा है, बोले मेरठ पहुँचे क्या, मेरठ यहाँ से 50 किलोमीटर। तो क्या बोला? नहीं बोलता, लोकेशन भेज रहा वहाँ। तो टारगेट है कि सुबह तक वहाँ जाना, वैसे ऋषिकेश जा रहे हैं अभी फिलहाल, ऋषिकेश का प्लान है, तो ऋषिकेश से फिर किधर जाना है नहीं जाना है तो आपको आगे ब्लॉग में पता चल ही जाएगा, कुछ नज़ारे देखने को मिलेगा। तो भाई और शेयर भी कर दो यार वीडियो उसको, वादियों का मज़ा लेते हुए चलेंगे सब आराम से। ये देखो भाई ब्रेकर, तो आगे कार था तो दिख गया भाई, ऐसा ब्रेकर है दिख ही नहीं रहा है, क्या खूबसूरत लग रहा है दिल्ली रात में, और इससे खूबसूरत तो
गुरुग्राम नोएडा बहुत ही सही रूट पता नहीं है यार, मैप देख के चलाना पड़ता है, बहुत इशू हो जाता है। झरकता है मेरा, पिछले बार भी तुम लोग ऐसा किया था, लेकिन हमको पहले दार्जिलिंग का रूट पता था ना, हम जा रहे थे जाओ लौड़ा। और अभी क्या करते, मस्त मैप ऑन कर लेते अपना, ईयरफोन में लगा लेते, वो बकते रहते, बीच बीच में कहीं रुकते। तो भाई तो पीछे बैठे हैं, क्लियर रूट हमें समझ नहीं आ रहा था, रहता कहियो हवा नीचे जाता है, गजब लौड़ा हेलमेट पानी से भरे। अभी तो हेलमेट छोड़ दो, लो लड़ा दो हमको, पकड़ के बैठे दो हमको, दो पेट पकड़ के बैठो तू, है ना मेरा यहाँ, या तो पेट पकड़। अबे पेट पकड़, अरे वो बात नहीं है भाई, गाड़ी में सीट नहीं है। अरे हम नहीं अभी रहेंगे, चलो ना बिना हेलमेट के, हम एकदम राजा हैं। हेलमेट है मारे जो एक चूतिया साला, उल्टे कर यार हेलमेट को। लैब जाना था लेकिन अभी तो इतना आगे आगे लोडू, चलो यार चक्री में घूमो, आगे से कैसे यू टर्न मार के आना होगा हम लोग को। यहाँ रुके थे थोड़ा देर, और हम लोग हाँ मूलचंद या जो बोल दो उससे थोड़ा पीछे हैं, और तुर्की में अब नेक्स्ट स्टॉप लेंगे, तो देखते हैं। तो ये देखो भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है, सुबह सुबह ठंड भी लग रहा है, तो सेट वोट को तरफ खोल दिए, पानी का सामान तरफ खोल दिए, मज़ा आ रहा है। फिलहाल तो ऋषिकेश जाएंगे, और तुर्की में बंद है क्या? हाँ मूलचंद तो बंद है तुम्हारा, तो भाई मूलचंद तो बंद है, सोया हुआ होगा, आखिर हो गया, आगे चलना होगा और क्या, मूलचंद तो बंद है, उसके आगे बताइए क्या है, तो उस पर रुक सकते हैं ना, ये रिजॉर्ट रिजॉर्ट था ना भाई। शादी खत्म हो गया, भाई तो देखते भाई आगे कहीं और रुक, टोल प्लाजा है, पहुंच गए हैं कहाँ पे, ये कहीं रुड़की के पीछे हैं अभी, तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यार, हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी है, और रोड्स इधर के अजूबा यार, ऑसम, मतलब आप उत्तराखंड इधर कहीं भी जाओगे शायद मुझे लगता है आगे भी और अच्छी अच्छी रोड होंगी, बवाल रोड है यार। तो भाई अभी शायद रुड़की के पीछे या रुड़की में ही है, तो सोचे हम लोग थोड़ा देर स्टे कर लेते हैं कोई होटल वगैरह रेंट लेके, क्योंकि सबको नींद आ ही रहा है और सब रात से बाइक चला रहा है, और हम लोग पहले थोड़ा देर रेस्ट करते हैं 2-3 घंटे 5 घंटे, फिर इसी के आराम से निकलेंगे, क्योंकि हर कोई रफ ही चला रहा है गाड़ी, चाहे वो कार वाला हो या कोई भी हो, और नींद में कोई बाइक नहीं चलाना चाहिए। होटल का लोकेशन बहुत सही है यार, पीछे भी था तो काफ़ी अच्छा बगान वगैरह था, धूप वगैरह धूप तो लग ही नहीं रहा यार, यही अभी आप दिल्ली में रहो वहाँ तो धूप आपको ऐसा फील हो कि आगे निकल रही है, और सेंट गोज भी जाते वहाँ भी वही हाल है, इधर से डीएल नंबर और मलदा वाले आए हुए, अंदर होगा किधर? तुर्की शहर आगे, अबे तो ये रोकेगा तब हम रुकेंगे, तू भी कल लंदन जाके होटल लेगा।
कहीं अच्छा नहीं है सिर्फ सोने के लिए। हम पता क्या सोच रहे हैं, इसको होटल नहीं मिला, इतना दूर है साला जा रहे हैं, जब तेरी चक्कर को पार हो गया ना। रेटिंग अच्छा नहीं है, रेटिंग भी अच्छा चाहिए। अबे तो कुछ घंटे के लिए तुम्हें कितना महंगा का तेरे क्या से वो बता, दोनों का मिक्सचर भी होगा ना कम प्राइस का। तो भाई ये प्रॉपर्टी है, तो ये शहर घुसने से पहले ही आ गया था, तो यहीं पे थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं कुछ घंटे के लिए और फिर निकलते हैं। अभी तो मैंने कुछ घंटे तो लगेंगे ना। ठीक है, कुछ देर स्टे करने के लिए रूम ठीक है। नहा सकते थे यहाँ भी हम। देखो यार, हद वाला जाम करके रखा है, इसलिए सुबह ही कवर करना था, पर नींद भी आ रहा था दिन में, तो सोचे कि लेट से निकलेंगे। पर रोड लाल है बे, शीशा बंद कर दो, शीशा बंद कर दो, रुको रुको जाने दो। तो अभी अपना बाइक ले गया, स्लिप हो गया, कंट्रोल नहीं हो पाया, पता नहीं क्या नुकसान हो गया, रुके तो नहीं है, जाम ही बहुत था, तो आगे कहीं रुकेंगे फिर दिखाते हैं आपको। कैमरा ऑफ था, इंसिडेंट होता है, और एक बार पार कर रहे हैं, एक बार में सोचे थे रुकेंगे पर चांस नहीं बनता है, ट्रैफिक इतना है और क्या हो? ये वाला हुआ ये, और ऊपर हो गया है, तो वही बांधा हुआ है ना। हाँ मतलब ये थोड़ा ही हो गया, और तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा यहाँ पे ये पहले टूटा था वही है ना। हाँ हाँ, तो ये स्क्रैच हुआ है। चलो होते हैं कुछ कुछ अजीब लोग, बाकी तो जगह एक ही जैसा है। मोतीचूर फीवर यहीं रुक लो, चाय पानी हो जाएगा फिर आगे जाते हैं। और रुको ना, क्या सोडा होगा, पहले दो जगह दे देते। अच्छा तो मेरे ऋषिकेश घुसने वाले हैं, सही है। बोले ऋषिकेश का रूट ये नहीं है क्या? घुमा दिया तो आगे से जा सकते हैं, आगे से हो जाएगी ना। किससे भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे रोड खराब था तो सब इधर से घुमाया जा रहा है। चलो ठीक है, गलत रूट में नहीं। क्या कर रहा था भाई, ठीक
ऋषिकेश के लिए रूट सर? ऋषिकेश सेकंड नंबर का फ्लाई ओवर आएगा सर, सीधे राइट जाना, सीधे ऋषिकेश पानी वाला टोल ग्रांड होता है। ओके सर। वो कैमरा ऑन कर रहे थे वो, देखो भाई लग रहा है तो उस चक्कर में लंबा हो गया था, वहाँ तक पहुँच जाऊँगा डाइवर्जन में, वहाँ से बस 5 किलोमीटर कंस्ट्रक्शन है, कुछ काम चल रहा है पहाड़ों में, हर कुछ सही लगता है जब तक अब नए हो, जब तक नए हो तो सब कुछ सही लगता है, उसके बाद आदत हो जाएगी तब वहाँ से बोर हो जाओगे। लाइफ एक सीक्रेट फंड है, वो सबको पता है पर कोई बताता नहीं। ऐसी हालत क्या सही लग रहा है, भले कुछ ही किलोमीटर का चढ़ाई है लेकिन वो टाइम लग जाएगा इसमें, अभी क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है।